हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्लिपीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल है। वीडियो क्या है लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। आज की रेसिपी बहुत ज्यादा स्पेशल है। आपके घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग हैं, उनसे रिलेटिव या सर्दी जुकाम सबको लगा ही रहता है। आज की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को स्किप करके ना देखिए। चलिए क्या बनाने जा रही हूँ देख लेते हैं। गैस पर हमने पैन रख लिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेद वाले तिल यानी कि सीसम सीड। हल्के से पहले हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। इनको रोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इस सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आप इसके फायदे जानते ही हैं कि स्किन को चमकदार बनाती है और त्वचा में निखार लेके आती है। देखिए तिल हमारे भून गए हैं। तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सर्दियों में लोगों को अधिकतर मतलब टॉयलेट की परेशानी हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, उसकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। आधा कटोरी के समथिंग मैंने लिया है ये सूखा हुआ नारियल, इसको भी हम भून लेते हैं। आप इसकी जगह डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ही हमें इसको रोस्ट करना है। देखिए नारियल भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम इसी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम पैन में डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये देखने में लग रहा है ज़्यादा क्योंकि ये जमा हुआ है। अगर आपका जमा हुआ नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून के समथिंग लीजिए। घी हमारा ज़्यादा ही इसमें लगेगा, कम नहीं। घी को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। अब मैंने यहाँ ये लिए है गोंद, ये मेरी होगी 20 से 25 ग्राम के समथिंग गोंद है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसमें डालेंगे और इसके फूले बनाएंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना इसको करें, नहीं तो ये फूल तो जाएंगे लेकिन अंदर से ये थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, लगातार चलाते हुए देखिए कितने आराम से इसके फूले बन रहे हैं। देखिए अच्छे से ये फूल गई है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचा हुआ गोंद भी अभी इसमें डाल लेते हैं, इसके भी हम फूले बना लेते हैं। इसको भी हम अपनी प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं थोड़े से बादाम। आप बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो सब इसमें डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करूँगी और इनको भी हल्का ही हमें रोस्ट करना है। अगर इसमें कोई भी महक होगी वो निकल जाएगी। बादाम भी मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और इसमें बढ़ा रही हूँ। घी जैसे ही मेल्ट हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें स्लो फ्लेम पर इसको भूनना है। हमें डार्क ब्राउन करना है हल्की हल्की फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। घी की क्वांटिटी अगर कम है तो हम इसमें घी और बढ़ा देंगे क्योंकि भूनने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। आटे को भूनते हुए लगभग 10 मिनट मुझको हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड जैसी हो गई है, बस इसी तरह की होनी चाहिए। हमें घी इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब भुन जाएगा तो ये अपने आप से घी छोड़ देगा। ये खाने में तभी अच्छा लगेगा जब इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी से होगी। 5 मिनट और इसको मैं भून लेती हूँ। देखिए मैंने 5 मिनट और इसको अच्छे से भूनने के बाद ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसने यानी कि सारा घी रिलीज करना शुरू कर दिया है और पूरा घर इसकी खुशबू से महकने लगा है। अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ ली है सौंठ। सर्दियों में सौंठ, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों में कहीं भी पेन हो,
ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे बच्चों को सर्दी जुकाम भी है वो भी ये ठीक करता है। इसको भी हम इस स्टेज पे डाल देंगे तो ये सौंठ अच्छे से इसमें भुन जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। साथ में मैंने ले लिया है जायफल यानी कि नटमेग, इसको भी हम भून देते हैं। ये भी इसका टेस्ट को इन्हेंस करती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सर्दियों में सर्दी जुकाम हो, कमर दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, ये सब दूर करता है। आधे से थोड़ा सा कम और टेस्ट के अनुकूल आप इसको इसमें डाल सकते हैं। फ्लेम हमको बंद नहीं करनी है, हमको स्लो ही रखना है। अब मैंने यहाँ लिया है ये 250 ग्राम गुड़, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इससे धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होता रहेगा और लगातार चलाते रहिए। हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, और गुड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम लिया है क्योंकि मेरा आटा 1 कप था, उसके अकॉर्डिंग ये एकदम ठीक है। आप मीठा इसमें गुड़ के साथ आधा गुड़ आधा शुगर भी डाल सकते हैं। मैं केवल गुड़ का ही प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एकदम हेल्दी बनाना है। गुड़ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सर्दियों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी मीठी चीज़ अगर आप गुड़ में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। डायबिटीज वाले भी इसको खा सकते हैं क्योंकि मैं इसमें शुगर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अब जैसे ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा हम गैस को कर देंगे बंद। अब हमने ले लिया है मिक्सी का जार, जो हमने सीसम सीड भून के रखे थे ना वो इसमें डाल देंगे। नारियल जो हमने भून कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। गोंद और बादाम भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा मिक्सी को दरदरा रुक रुक कर चलाऊंगी। अब हम इसको पीस कर लाते हैं। सारी क्वांटिटी मैंने रुक रुक कर चलाई थी और दरदरा रखा है। इन सारी चीज़ों को अब हम इसमें मिक्स करते नहीं रहे और इसको अच्छे से मिक्स करके चला लेते हैं। हमें देखिए इस तरह से इसमें मिक्स करना है। हल्का हल्का ये सूखा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये गरम गरम में ही करना है, ठंडा नहीं होने देना है। और ध्यान रखें गुड़ की इसमें डेली भी नहीं बचनी चाहिए। अब हमको एक प्लेट लेनी है, प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस करना है। हमें पूरी प्लेट को आप ब्रश की सहायता भी ले सकते हैं। और हमने जो मिक्सचर इसमें मिलाकर रखा है ना, अब वो इस प्लेट में हम पलट देंगे। ध्यान रखिए मिक्सचर हल्का सा गर्म होगा तो गुड़ अच्छे से मिक्स होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है ये हमारा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, कोई बात नहीं, ठंडा होने के बाद ये एकदम से ठीक हो जाएगा जैसी कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप हल्के से दूध की या पानी की छींटे मार लीजिए। अब हम इसको सेट कर देते हैं इस तरीके से दबा दबा कर। देखिए ये इस तरीके से अच्छे से सेट करने के लिए रख दीजिए। जो हमने घी इसमें डाला था मिक्स करते करते ये भी रिलीज हो गया। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं भी लगाएंगे ये आराम से आपकी जम जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। जब ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब पाक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसमें कट लगाइए। मेरा ठंडा तो हो गया है लेकिन पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा वेट हो गया था इसको कट रखने में। उसके बाद भी ये अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वीडियो शूट करके फिनिश करना था इसलिए मैंने इसमें कट लगा दिए। लेकिन आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको पूरा ठंडा होने का ही वेट करें। कट आराम से लग जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करूंगी कि मैं मेरा अच्छे से उठ के आए।
देखिए कट आपको एकदम से क्लियर नजर आ रहे होंगे। इसी तरह से हम कट लगा देते हैं। देखिए ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वीडियो पूरा शूट करना था इसलिए मैंने ये निकाल दिया है। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। घुटना कमर दर्द हड्डियों का दर्द हो जाए दूर, मांसपेशियां हो मजबूत। सुबह शाम आप इसको एक लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सर्दियों में दूर रहेगी। आज की ये पाक की रेसिपी, गोंद पाक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।